फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सबसे पहले आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मेरी फ़र्स्ट वीडियो को बहुत 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 अप्रिशिएट किया। उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले फटाफट लॉगिन करिए और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ वाला बेल आइकॉन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और वो आप वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम फटाफट जल्दी जल्दी अपने स्किन को ग्लोइंग कैसे बना सकते हैं जब हमारे पास वक्त नहीं होता, या कोई शॉर्ट नोटिस पे इनविटेशन आता है हमें, या हमें ना डेट पे जाना होता है, या वैसे ही हमारी स्किन हमें थोड़ी सी ड्राई लगती है, हमें उसे नरिश करना है, हाइड्रेट करना है, तो हम जल्दी जल्दी से उसे कैसे नरिश कर सकते हैं। वो तरीका है स्किन हाइड्रेटिंग शीट मास्क, जो हम घर पे आसानी से रेडी कर सकते हैं, और इसको हम वीक में 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं, डेली भी यूज़ कर सकते हैं, इसको किसी भी एज का पर्सन यूज़ कर सकता है, और इसको मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये शीट मास्क आपकी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करेगा, और ना ही ये क्लींजर के तौर पे यूज़ किया जाता है, ना एक्सफोलिएटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये जस्ट आपकी स्किन को नरिश करता है, रिप्लेनिश करता है, सॉफ्ट सपल मॉइस्चराइज करता है। गाइस, हो गई बहुत ज्ञान की बातें, अब देखते हैं मेन वीडियो और देखते हैं कैसे बनाते हैं पहले शीट और देन मास्क। लेट्स स्टार्ट द मास्क। शीट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर। आप मसलिन क्लॉथ और बेबी वाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। इस शीट को, टिश्यू को मैं डबल फोल्ड करूँगी, और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरफ मार्क लगाएंगे। इस तरफ हमें ओपन साइड कुछ नहीं करना है। ऊपर से 4 फिंगर की डिस्टेंस पे एक इंच की लाइन लगाएंगे और उसको वी शेप देंगे। इस वी शेप की लाइन के ऊपर हम सीज़र से काट लेंगे। ये हमारे आईज़ के लिए होल्स बन जाएंगे। अब इस शीट को हम खोलेंगे और आईज़ के होल के 2 उंगली के डिस्टेंस पर एक इंच की लाइन लगाएंगे, और ऊपर की तरफ 1/2 इंच की लाइन लगाएंगे, यानी ये एल शेप की लाइन बन जाएगी। अब ये एल शेप की लाइन को ऊपर हम सीज़र से काटेंगे। यहाँ से हम 1 फिंगर का डिस्टेंस लेके 1.5 इंच की लाइन लगाएंगे, जो कि माउथ के लिए होल बनेगा। इसको भी हम थोड़ा सा वी शेप देंगे, और इस वी शेप के ऊपर हम सीज़र से काट लेंगे। अब हम शीट को खोल लेंगे। ये देखो, 2 आईज़ के लिए होल बन गए हैं, 1 नोज़ के लिए होल बन गया, और 1 माउथ के लिए होल बन गया है। ये परफेक्ट शीट बनी है। अब इसको फेस की शेप देने के लिए हम कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा राउंड काट लेंगे, ताकि ये हमारे फेस पे अच्छी तरह फिक्स हो जाए। मैं वीक में 3 बार मास्क शीट यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने 2 शीट्स ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई हैं, ताकि मेरा जो फुल वीक का स्टॉक है वो रेडी हो जाए। सबसे पहले हम ऑयली स्किन के लिए मास्क रेडी करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कसा हुआ खीरा। खीरे को अच्छी तरह दबाकर हम इसका रस छान लेंगे। खीरा जो है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। सेकंड इंग्रेडिएंट हमें इसके लिए चाहिए लेमन जूस, जो कि हमारे फेस पे जो भी स्कार्स होते हैं उनको लाइट करता है। इसके लिए हम ऐड करेंगे 3 चम्मच खीरे का रस और 1 चम्मच नींबू का रस। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो ये हमारा ऑयली स्किन के लिए मास्क रेडी है। सेकेंडली हम बनाएंगे नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मास्क। इसके लिए हमें चाहिए हनी, जो मैं डाबर का यूज़ कर रही हूँ, और दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए रोज़ वाटर, जो मैं अपना घर पे बनाया है रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप अपना कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम ऐड करेंगे 3 चम्मच रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारी स्किन की ग्रीजीनेस को कम करता है, और 1 चम्मच हनी। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स
कर लेंगे और ये हमारा मास्क रेडी हो जाएगा। हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही मास्क यूज़ करने हैं। जैसे मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इन मास्क को नहीं यूज़ कर सकती। अब हम बनाएंगे ड्राई स्किन के लिए मास्क। इसके लिए हमें चाहिए मिल्क जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, एलोवेरा जेल जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा। मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए एक विटामिन ई कैप्सूल। अब हम ऐड करेंगे 3 चम्मच मिल्क, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई हमारी स्किन के एजिंग साइंस को कम करेगा, ब्राउन स्पॉट्स को कम करेगा और हमारी रिंकल्स को कम करेगा। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा रेडी स्किन के लिए पैक, ड्राई स्किन के लिए पैक रेडी हो गया है। तो इस पैक को मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई एंड सेंसिटिव है। तो आप भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही मास्क लगाना। तो अब मैं बताती हूँ हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। हम पहले जो शीट हमने पहले रेडी की थी उसको अपने मास्क में अच्छी तरह डिप कर लेंगे, ज़्यादा दबाएंगे नहीं। इसको अच्छी तरह डिप करके जब वो पूरे लिक्विड को अंदर से सोख लेगा तो हम इसको निकाल लेंगे। धीरे से थोड़ा सा दबाएंगे ताकि एक्स्ट्रा जो लिक्विड है उससे निकल जाए। अब हम धीरे धीरे शीट को खोलेंगे ताकि शीट फट ना जाए। अगर हमारे नेल्स बड़े हैं तो हमें थोड़ा ध्यान से करना होगा। तो धीरे धीरे हम इसको शीट को खोलेंगे तो देखो ये शीट पूरी अच्छी तरह खुल गई है। अब मैं इसको अपने पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैंने अपने फेस को फेस वॉश से वॉश कर लिया है। मैं अपनी स्किन को क्लीन करूंगी। रॉ मिल्क को मैं क्लींज़र के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। आप सबको पता ही है कि रॉ मिल्क एक बहुत बढ़िया क्लींज़र हमारी स्किन के लिए होता है। कॉटन पैड को मिल्क में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ कर इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन क्लियर हो जाएगी। इसको क्लींस करने के बाद जो शीट हमने भिगो के रखी थी उस शीट को अच्छी तरह अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है और ऐसे ही इस शीट को 15 मिनट अपनी स्किन पे रखना है ताकि जो भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं उनकी गुडनेस हमारी स्किन को अच्छी तरह मिल सके। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस शीट को मैं अपने फेस से धीरे धीरे करके उतार लूँगी तो क्लियर डिफरेंस आपको पता चल रहा है स्किन पे। और जो भी रेजिड्यू आपकी स्किन पे बचा है आप उसको धीरे धीरे मसाज करके अपने फिंगर टिप्स से अपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए। अब मुझे मेरी स्किन सॉफ्ट, हाइड्रेट, रिप्लेनिश्ड और मॉइस्चराइज्ड लग रही है। तो गाइस ये कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इन होम रेमेडीज़ को अगर हम अपनी लाइफ के रूटीन में, जो भी हमारा डेली रूटीन होता है उनमें रूटीन में शामिल कर लें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। मैं लास्ट 25 ईयर्स से ये होम रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन के लिए और अपनी हेयर्स के लिए। बट ये जो हाइड्रेटिंग स्किन मास्क का ट्रेंड है ये तो लास्ट 2-3 ईयर्स से ही ट्रेंड में आया है। बाकी बहुत सी होम रेमेडीज़ हैं जो मैं अपने 25 ईयर्स से रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ और इनका इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो चीज़ मुझे पता है वो मैं आपको भी बोलूँ ताकि आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। आती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय। तब तक बी पॉजिटिव एंड एंजॉय द लाइफ।